जेनो तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे आदिवासी परीक्षा 2022-23 कक्षा 9वीं गणित का पेपर। दोस्तों आपका जो मेस का पेपर होने वाला है, यही पेपर आपकी आदिवासी परीक्षा में आने वाला है। बिल्कुल 100% रियल पेपर है। यहाँ पर देख लीजिए, इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 75 अंकों का और यहाँ पर समय होने वाला 3 घंटे का। दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए, इन निर्देशों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है, सही विकल्प चुनकर लिखे। दोस्तों पहले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर सही विकल्प का चयन करके लिखना है। ये आपकी परीक्षा में दोस्तों यहाँ पर 5 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले। तो आपका यहाँ पर पहला सही विकल्प देख लीजिए 65 का बीजांक होगा, तो इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें आपका यहाँ पर डबल इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों आपका यहाँ पर दूसरा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, बहुपद आपको दिया गया है तो इसकी घात आपको बताना है, इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें आपका यहाँ पर राइट आंसर डबल आ जाएगा। अब दोस्तों आपके पर तीसरे आपस दोस्तों सभी कल देख लीजिए, आप पूछा है 8 की पावर 2/3 का मान होगा तो क्या होगा। दोस्तों ये आपको बताना है, इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें आपका पर 4 इसमें राइट आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों आपके पर यहाँ पर दोस्तों चौथा यहाँ पर सभी कल देख लीजिए, कोट स्क्वायर 30 डिग्री का मान होगा तो इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपके पर राइट आंसर आ वाला आ जाएगा। अब दोस्तों आपके पर पांचवा क्वेश्चन दिया दोस्तों, 55 का पूरा कोण होगा तो इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर 35 डिग्री आ जाएगा। अब दोस्तों आपके पर अगला पर दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए, 52 पूछा है, रिक्त नल की पूर्ति कीजिए। दोस्तों ये आपकी परीक्षा में 5 नंबर के खाली स्थान पूछे जाने वाले हैं। तो आपके पर पहला खाली स्थान देख लीजिए, बट्टा का छूट। दोस्तों यहाँ पर पूछा है, बट्टा की छूट सदैव खाली स्थान मूल्य पर दिया जाता है तो इसका उत्तर आप लगा लीजिए। दोस्तों इसमें आपका पर राइट आंसर दोस्तों पहले खाली स्थान में आप लगा लीजिए अंकित मूल्य। दोस्तों पहले खाली स्थान में आपका आ जाएगा अंकित मूल्य, इसमें राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो इनके आंसर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे अच्छे से। अब दोस्तों आपके पर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, आप पूछा है 3 अंकों की संख्या PQR का व्यापक रूप होगा तो व्यापक रूप क्या होगा ये आपको बताना है, इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपके पर 100P+ दोस्तों आप लिख लीजिए, यहाँ पर 10Q+ दोस्तों आपके पास आ जाएगा R। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका व्यापक रूप हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपके पास तीसरा पर खाली स्थान देख लीजिए, आप पूछा है समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को खाली स्थान कहते हैं तो क्या कहते हैं ये आपको बताना है, इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें आपका यहाँ पर दोस्तों समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, दोस्तों कर्ण होती है तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर कर्ण आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपके पास चौथा यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन देख लिया, आप पूछा है आयतन का प्रत्येक कोण खाली स्थान अंश का होता है तो कितने अंश का होता है ये आपको बताना है। इसमें आप लगा लीजिए चौथे खाली स्थान में आपके पर दोस्तों 90 डिग्री इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपके पर पांचवें दोस्तों खाली स्थान देख लीजिए, कोश टीटा का व्युत्क्रम होता है दोस्तों, इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपका आ जाएगा इस खाली स्थान में साइन टीटा इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपके पर सवाल क्वेश्चन देख लीजिए, उचित संबंध जोड़िए। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान करना है तो फटाफट इस सही जोड़ी का मिलान कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपका दोस्तों यहाँ पर दिया दोस्तों पहला दिया है तो इसमें दोस्तों आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरे में दोस्तों आपका यहाँ पर 60 डिग्री इसमें आ जाएगा और तीसरे में दोस्तों आपके पर लगा लीजिए, तीसरे में दोस्तों आपके पर 180 डिग्री आ जाएगा और दोस्तों चौथे में आपका पर राइट आंसर, दोस्तों चौथे में आपका पर राइट आंसर आप लगा लीजिए, चौथे में दोस्तों आपके पर राइट आंसर आपके पर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, और पांचवें दोस्तों आपके राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है, जिससे 5 नंबर यहाँ से सही जोड़ के कम्प्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों आपका यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 देख ली दोस्तों, यहाँ पूछा है सरल कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सरल करना है। दोस्तों आपको इसको सरल करना है, इसका आंसर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। अब दोस्तों आपके पर प्रश्न क्रमांक 3 देख लीजिए, समीकरण आपको दी गई है तो इसको आपको सिद्ध करना है, मतलब दोस्तों आपको इसको हल करना है। ठीक है, तो इसका उत्तर भी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। अब दोस्तों आपके पर 4 वाला क्वेश्चन देख लिया, पूछा दोस्तों इसका मान आपको ज्ञात करना है तो इसका आंसर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। या 5वां क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आपको क्या करना है, यदि आपको एक कोण का मान दिया गया दोस्तों 65 डिग्री तो उसके समपूरक कोण का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो इसका उत्तर भी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। अब दोस्तों आपके पर 6 वाला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर दिया एक चतुर्भुज के तीनों कोण के मान आपको दिए गए तो आपको चतुर्भुज के चौथे कोण का आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। अब दोस्तों आपके 7वां क्वेश्चन देख लीजिए,
आपको सातवें क्वेश्चन में यहाँ पर संख्या रेखा की परिभाषा लिखना है, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास आठवें क्वेश्चन देख लीजिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है दोस्तों, आठवें क्वेश्चन का आंसर आपको आपकी बुक से देखकर याद कर लेना है, ठीक है। मतलब आपकी बुक से देखकर दोस्तों इस क्वेश्चन को लगा लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास नौवां क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, नौवें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, मान ज्ञात कीजिए दोस्तों, आपको इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसका आंसर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। अब दोस्तों आपके पास टेन वाला क्वेश्चन देख लीजिए, आप पूछा है 66 × 99 को सूत्र ए न्यूनेन पूरेन विधि द्वारा हल कीजिए, तो इसका उत्तर भी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। अब दोस्तों आपके पास 11वें यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आपको क्या करना है, 1/5 और 1/7 के बीच तीन परिमेय संख्या आपको लिखना है, इसका अतवल क्वेश्चन देख लीजिए, समीकरण को हल कीजिए दोस्तों, आपको इस समीकरण को हल करना है, इसका आंसर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है। और दोस्तों चैनल को जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर आपको सभी कक्षाओं के रियल पेपर मिल जाएंगे, ठीक है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब दोस्तों आपके पास 12वां यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ दोस्तों 12वें क्वेश्चन में आपको यहाँ पर अतवा क्वेश्चन दिया है, तो आपको दोस्तों इसका आंसर इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं 13वें क्वेश्चन पर, 13वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए, यदि टेन थीटा बराबर 3/4 हो तो शेष त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए दोस्तों, आपको त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना है, जैसे कि साइन थीटा, कोस थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, इनके मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अतवा यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, यदि कोस बराबर 4/5 हो तो कोट ए माइनस साइन ए अपॉन 2 tan A का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों इस क्वेश्चन में, आपको दोस्तों यार इसका मान निकालना है, इसका मान आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर आपको त्रिकोणमिति जो अध्याय दोस्तों उसमें इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास 14वां आप क्वेश्चन देख लीजिए, आप पूछा है दिए गए चित्र में AB लंब है दोस्तों यहाँ पर CD पर तथा EF एक तिर्यक रेखा है, तो AB और CD को H और G पर प्रतिच्छेद करती है, तो X और Y का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर दोस्तों X और यहाँ पर Y का मान ज्ञात करना है फटाफट, इसका आंसर भी आपको आपकी दोस्तों यहाँ पर मैथ्स की बुक, गणित की बुक से लगा लीजिए और याद कर लीजिए। अब दोस्तों इसका तो वाला क्वेश्चन दिया है, इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर त्रिभुज AOC व त्रिभुज BOC के मान ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर अगला क्वेश्चन देख लो दोस्तों, यहाँ पर पूछा दोस्तों यहाँ पर 15वां क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए 15 क्वेश्चन यहाँ पर दिया दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर दोस्तों इसको सिद्ध करना है, ठीक है। या फिर दोस्तों आप इसके अतवल क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, इसमें आपको क्या करना है, यदि आपको दिए गए दोस्तों यहाँ पर PQ आपको दिए गए, तो आपको यहाँ पर P आपका यह दिया दोस्तों तथा P यहाँ पर यह आपको मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको दोस्तों इन दोनों के मान ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में। अब दोस्तों आपके पास 16वां यहाँ पर क्वेश्चन देख लिया, यहाँ पर पूछा है सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। इसका उत्तर आपको आपकी गणित की बुक से मिल जाएगा। अतवा क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, सिद्ध कीजिए कि किसी समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। अब दोस्तों आपके पास 17वां पर क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर पूछा यदि A व B दो परिमेय संख्या है तो निम्नलिखित समीकरण में A तथा B का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों, आपको A तथा B का मान इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है, ठीक है। तो फटाफट इसका आंसर आप लगा लीजिए और याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपके पास इसका अतवला क्वेश्चन देख लिया, पूछा है इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यदि आपको दिया गया तो आपको दोस्तों यहाँ पर x+1/x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, यहाँ पर x का मान आप इसमें रख दीजिए, ठीक है, तो आपका दोस्तों इसका मान ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास 18वां क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, आपका 18वां क्वेश्चन पूछा है, 18वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, त्रिभुज आपको दिया गया PQR की रचना कीजिए, जिसमें आधार आपको दिया QR = 4 cm, PQ + PR = 7.5 cm तथा यहाँ पर त्रिभुज PQR = 60 degree है, तो आपको इसको सिद्ध करना है, ठीक है। अतवा क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर अतवा क्वेश्चन पूछा है, अतवा क्वेश्चन देख लीजिए, एक समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए, जिसमें AC = 7 cm और यहाँ पर BD = 6 cm है, इनके बीच का एक कोण 40 degree का है। तो दोस्तों ये आपका यहाँ पर कक्षा 9वीं का गणित का पेपर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इस पेपर को आप पूरा याद कर लीजिए। अब दोस्तों मैं आपको इस पेपर का सॉल्यूशन बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया सही विकल्प वाला, तो पहले सही विकल्प में आपका दोस्तों यहाँ पर पहले में आपका दावा आ जाएगा, दूसरे में दोस्तों आपके यहाँ पर दावा आ जाएगा,
तीसरे में दोस्तों आपका बा वाला आ जाएगा, चौथे में दोस्तों आपका आ वाला आ जाएगा, पांचवे में दोस्तों आपका आ वाला आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपके पास अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर बा वाला पूछा है। बा वाले में दोस्तों आपको खालिस्तान की पूर्ति करने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो पहले खालिस्तान में आपका अंकित मूल्य आ जाएगा, दूसरे खालिस्तान में आपका यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 100P + 10Q + R आ जाएगा। ठीक है, तो ये व्यापक रूप आपका आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप देख लीजिए आपका तीसरे यहाँ पर दोस्तों खालिस्तान में आपका करना जाएगा, चौथे खालिस्तान में दोस्तों आपका 90 डिग्री आ जाएगा, वो पांचवे खालिस्तान में दोस्तों यहाँ पर साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपके पास सावल क्वेश्चन देख लीजिए जिसमें आपको सही जोड़ी का मिलान करने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो दोस्तों, यहाँ पर दिया दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों ये एक है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, ये आपका एक है। ठीक है, यहाँ पर एक आ जाएगा। ठीक है, तो आप दोस्तों ये सही जोड़ का अच्छे से याद कर लीजिए दोस्तों, ये आपका एक आएगा। ठीक है, आपको गलती नहीं करना दोस्तों, यहाँ पर गलती से हमने लिख दिया दोस्तों, यहाँ पर आपका यहाँ पर एक यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपके पर दोस्तों यहाँ पर प्रश्न दो के यहाँ पर आंसर देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में दो के यहाँ पर उत्तर दिया दोस्तों, अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपके पर प्रश्न क्रमांक तीन का यहाँ पर आंसर देख लीजिए, दोस्त क्रमांक तीन का यहाँ पर उत्तर दिया हुआ है, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लिया। ठीक है, अब दोस्तों आपके पास अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया दोस्तों, इसको अच्छे से याद कर लीजिए दोस्तों और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आराम से देख लो दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए। ये आपका क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन 4 का यहाँ पर आंसर, ठीक है, इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आगे का भी यहाँ पर दिया है। ठीक है, अच्छे से दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन के उत्तर को आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपके पास अगला क्वेश्चन आने वाले यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन फाइव का यहाँ पर उत्तर दिया दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से, इसका भी दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसमें आपको दोस्तों चतुर्भुज के दोस्तों आपको चौथे कोण का मान ज्ञात करना था। सॉरी दोस्तों, इसमें आपको सम यहाँ पर दोस्तों सम यहाँ पर सम पूरक कोण का मान ज्ञात करना था। ठीक है, अब दोस्तों आपके पर प्रश्न क्रमांक 6 का आप उत्तर देख लीजिए, यहाँ पर दिया दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6 का यहाँ पर आंसर दिया, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिए दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन के आंसर को दोस्तों अच्छे से कर करके देखना है। ठीक है, यहाँ पर आंसर देख लीजिए और इसको आपकी रफ कॉपी में लिख लीजिए। अब दोस्तों आपके पास अगला क्वेश्चन पूछे जाने वाला है क्वेश्चन 7, तो क्वेश्चन 7 के यहाँ पर उत्तर देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन 7 में आपको दोस्तों संख्या रेखा की परिभाषा लिखने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर दिया है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद उस टाइम चलते हैं पर 8वें क्वेश्चन पर, तो 8वें क्वेश्चन का आंसर आपको आपकी बुक से देखकर याद कर लेना है। ठीक है, अब दोस्तों आपके यहाँ पर 9वां क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर देख लीजिए, तो यहाँ पर 9वें क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर दिया हुआ, अच्छे से याद कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए दोस्तों, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आपकी रफ कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का आप आंसर देख लीजिए, आप 10वें क्वेश्चन का आप आंसर दिया हुआ। ठीक है, इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए आपके पर दोस्तों 11वें क्वेश्चन का अतवा वाला का यहाँ पर आंसर दिया है, 11वें क्वेश्चन का यहाँ पर अतवा वाले का यहाँ पर आंसर दिया, तो आप इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए इसका आगे का भी यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों आपके यहाँ पर 12वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, यहाँ पर 12वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर दिया दोस्तों, मैं आपको इसको अच्छे से बता देता हूँ दोस्तों, आप इसको अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर अच्छे से दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 12वें क्वेश्चन का उत्तर का यहाँ पर दोस्तों अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिए। अब दोस्तों मैंने आपको यहां पर क्वेश्चन 1 से लेकर 12 तक के आंसर बता दिया, अब दोस्तों आपको जो बचे हुए क्वेश्चनों के उत्तर दोस्तों आपको आपकी बुक से देकर याद कर लेना है, उस पेपर को पूरा याद कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यही पेपर आपकी आदिवासी परीक्षा में पूछे जाने वाला है और दोस्तों हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।